आज की वीडियो किसके बारे में है कि बालों की हिफाजत सर्दियों में कैसे की जाए, बाल जो फ्रिजी हो जाते हैं उनको कैसे सही करें। मैंने यहाँ देखिए 50 ml लिया है फ्लैक्सीड यानी अलसी का तेल। दूसरी चीज मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन, एक चम्मच भर कर आपने इसमें डालना है कैस्टर ऑयल। वो ये जो कैप्सूल है ये है विटामिन डी के। इस तरह करके आपने सर की जड़ों में लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस दुआ के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो किसके बारे में है, जैसे ही सर कुछ लोगों की सर्दियों में कुछ लोगों की गर्मियों में बालों का गिरना और बालों के मसाइल। तो आज की वीडियो जो है वो बालों के मसाइल पर है, क्योंकि मैं खुद बालों के गिरने के मसाइल से का शिकार रही और मैं अपनी जर्नी भी आपसे शेयर करूंगी कि मेरे बाल कोविड के बाद कैसे बचे और क्या क्या किया और किस तरह बचे, किस तरह से मेरे बाल रीग्रो हुए। तो आज की वीडियो में भी मैं बताऊंगी कि कौन सा तेल इस्तेमाल करने से और वो तेल आप घर में कैसे बना सकते हैं, और जो है एक बाल जो फ्रिजी हो जाते हैं उनको कैसे सही करें, और बहुत इजी किचन टिप्स हैं। तो चलिए साथ बहुत ज़्यादा बातें इंट्रो नहीं देते, जल्दी से सीखते हैं कि बालों की हिफाजत सर्दियों में कैसे की जाए। जी हम आ गए अपने किचन में, और किचन में मैं आपको सर्दियों का एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल बता रही हूँ जो आपकी खुश्की नहीं होने देगी। आपके बालों में सर्दियों में अक्सर करंट पड़ जाता है, वो नहीं होगा, बम फटा बाल नहीं होगा। नहाने से एक घंटे पहले आपने लगा लेना है। आपने क्या क्या चीज़ें मिलानी है, कौन कौन से ऑयल मिलाने हैं वो सब बता देती हूँ। सर्दियों के में गिरते बालों के लिए बेहतरीन तेल, उसके साथ आपके बालों के गिरने का मसला, उसके साथ आपके बालों की खुश्की का मसला, सबको हल करने के लिए मैंने यहाँ देखिए 50 ml लिया है फ्लैक्सीड यानी अलसी का तेल। ये मैं बॉटल में डाल रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन, ठीक है, बालों को उगाने में आपकी मदद करता है ये सारा। देखिए एक आपको मिल जाता है मेडिकेटेड ग्लिसरीन, लीजिएगा एक पूरी बॉटल जाएगी। इसमें अगर वीट जर्म ऑयल मिल जाए यानी कि गंदम का तेल, लेकिन किसी भी आप अच्छे शॉप से लीजिएगा, केमिस्ट से लीजिएगा, पंसार हजरात गंदम को जला कर देते हैं, जबकि असल वीट जर्म ऑयल होता है जब हम उसकी स्प्राउटिंग करते हैं, उसकी जर्मिनेशन का ऑयल जो होता है वो होता है। अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच भर कर कैस्टर ऑयल। एक चम्मच भर कर आपने इसमें डालना है कैस्टर ऑयल या वीट जर्म ऑयल, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए वीट जर्म ऑयल, नहीं मिल रहा तो आप कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं। यहाँ एक बूटी रखी हुई कमीला, ये देखिए मैंने छोटा सा जो चम्मच लिया है, एक फ़ायदा है बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने का तो ये स्पून में वहाँ से ले आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने 1/4 टीस्पून डालना है, ये मैंने भर कर डाला है। ये है कमीला पाउडर। कमीला पाउडर आपके खुश्की को दूर करने में आपकी मदद करता है। आप ये जो मैं बहुत अच्छा तेल बना रही हूँ इसमें मैं डालूँगी 10 कैप्सूल 1000 mcg के। किसके वो ये जो कैप्सूल हैं ये हैं विटामिन डी के, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये ऐसे करके पूरा एक दो तीन, आपने ये जो ना इसको प्रिक करते जाना है, डालते रहना है। ये बोले आप इसका जो सॉफ्ट जेल है वो इसमें ही चला जाए, कोई मसला नहीं, सही, लेकिन प्रिक करके अच्छी तरह निचोड़ के डाल दें, पूरे 10 अदद, सही है। मेरे ख्याल में हमारे 7 हो गए, 7 तो ये 8, ये रहा 9। और अगर बहुत गंजपन आ रहा है ना तो इसी को प्रिक करके आप लगा लिया करें जहाँ गंजपन आ रहा है। मैंने आपको कहा है कि मैं अपनी जर्नी जो मेरे बालों की गिरने की जर्नी ड्यू टू बहुत ही अच्छी बीमारी वो भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे
जो मसाइल हैं काफ़ी हद तक तो हल हो गए हैं, मज़ीद हल करना है वो भी। अब ये देखें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आप। ये देखिए इस तरह हो जाता है। ये बस आप इस जब भी लगाएं शेक विल बिफोर यूज़, हर उसका जो हर तेल का वॉल्यूम जो है अलग है। इस तरह करके आपने सर की जड़ों में लगाना है, जहाँ से बाल जा रहे हैं वहाँ लगाएं, और रोज़ भी लगा सकते हैं। सफाई नफ़ से माने, रोज़ नहाएं, रोज़ ऑयलिंग करें, इंशाल्लाह इससे आपके बाल गिरना रुकेंगे, नई ग्रोथ भी होगी। सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। तो ये था सर्दियों का बेहतरीन टॉनिक, हेयर टॉनिक समझ लें, हेयर ऑयल समझ लें, हेयर सीरम समझ लें, हेयर फूड समझ लें, हर कुछ इसमें मौजूद है। इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे सफाई नफ से माने, बहुत सारे लोग सर्दियों में नहाते नहीं, इस वजह से भी बाल गिरते हैं। रोज़ नहाएं, सर की जड़ों में ऑयलिंग करें, नहाने से एक घंटा पहले भी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस को दीजिए इजाज़त। जाते जाते खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।